my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. Now I gotta ride or die. So hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. तो बहुत लोगों ने मेरे को DM किया इंस्टा पे कि आप इतना 390 और RR पे घूमते हो तो दोनों का एक ड्रैग रेस बना लो. तो बहुत दिनों के बाद हम लोग ने प्लान कर रहे थे ये बात के लिए. तो फाइनली भाई भी आज फ्री था तो ये है राज. हाय गाइस. तो हम लोग ने आज प्लान किया कि ड्रैग रेस शूट कर दे. वैसे तो पावर में बहुत डिफरेंस है दोनों बाइक के, वो 43 या 33 bhp. बट देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. तो फाइनली ड्रैग रेस स्टार्ट हो रहा है. दोनों गाड़ी थोड़ा वार्म अप हो रही है तो टीम के काउंट करने निकलेंगे. तो यही था आज का ड्राइव. आप लोग अभी डिसाइड करोगे आपको कौन सा भाई ज़्यादा अच्छा लगा, जो कौन सा टेस्ट था कमेंट में बताओ आप लोग.
आपको ड्यूब ज़्यादा अच्छा लगा या आर आर? बस आर आर का ये था कि आर आर एंडिंग में टॉप स्पीड देती है क्योंकि एरोडायनामिक ऑब्वियसली, बट ड्यूब का भी ऐसा है कि ड्यूब में ऑलमोस्ट 43 बी एच पी आता है, तो पंचिंग पावर जो है ना पिकअप ड्यूब का बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग डिसाइड करो, आप बताओ मुझे कमेंट में। पर हाँ, इन फ्यूचर में भी अगर आपको कोई और ड्रैग रेस वगैरह देखना है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन फ्यूचर कौन सा बाइक का ड्रैग रेस देखना है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो बाइक का ड्रैग रेस कर पाऊँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सो दिस इज शेयर साइनिंग ऑफ।